देश भर में छठ पर्व को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वही हम बात करते हैं दिल्ली के विकास नगर सैनिक इनक्लेव की, जहां पर सालों से छठ पर्व मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष छठ पर्व को लेकर जगह जगह छठ घाट बनाए जा रहे हैं। वही विकास नगर के सैनिक इनक्लेव में छठ घाट बनाया गया है, जहाँ पर भाजपा नेता निशिका शुक्ला व गणमान्य लोगों के द्वारा छठ घाट बनाए गए। इस मौके पर निशिका शुक्ला व अन्य लोगों ने मीडिया से बात की। सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ये जो हमारे छठ घाट आप देख रहे हैं, इसके सारा संयोजक जो हैं वो हैं हमारे अशोक प्रधान जी, हमारे क्षेत्र के बहुत नामी और जो ज़मीनी तौर पर सबके बीच में जाकर समाज सेवा करते हैं। हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोविंद शाही जी, अजय राय जी, हीरा लाल जी, हम लोग सब मिलके यहाँ पर यही कर रहे हैं कि क्षेत्र के लोगों के बीच में ये छठ पर्व, जैसे कि बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों के लिए बहुत आस्था और विश्वास का पर्व है ये, इसलिए हम लोग सब मिलके यहाँ पर छठ घाट पर तैयारियाँ कर रहे हैं 2-3 दिन से, और आज कल तक ये तैयारियाँ चलेंगी। परसों 30 तारीख को शाम को छठ का पर्व हम लोग प्रथम स्नान करेंगे, उसके बाद और 31 तारीख को सुबह स्नान लूँगा। किसकी तरफ से ये सहयोग चल रहा है, किसकी तरफ से तैयारी चल रही है छठ की? ये तैयारी सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से करी जाए, किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं है, ये सभी क्षेत्रवासी मिलके करते हैं। ताकि कहां पर हो रहा है ये? हो रहा है कि एक्सटेंशन वार्ड 112 सैनिक इंक्लेव में विकासपुर विधानसभा। दिल्ली नगर निगम का सहयोग नहीं मिल रहा या फिर जो है दिल्ली सरकार का भी इसका सहयोग नहीं है? दिल्ली सरकार का सहयोग नहीं है, हमें दिल्ली सरकार के द्वारा हमें कोई भी सहयोग नहीं दिया गया है। निगम के द्वारा हमारी बुलडोज़र से खुदाई की गई है, चूना लगाने का काम, सफाई का काम, वो सब हमें सहयोग है, लेकिन हमें दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं। श्रद्धालु आए कम से कम 2,500 से 3,000 की श्रद्धालु हम लोगों के बीच में होंगे। मेरा नाम गोविंद शाही है, मैं 112 सैनिक मंडल का भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। ये सब कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या कॉलोनी के जो हमारे प्रधान हैं, जो निवासी हैं, सब लोग मिल करके जन सेवा छठ पूजा समिति के माध्यम से यहाँ पे निशुल्क सेवा है, किसी का कोई वो नहीं है। जो आए छठ करने के लिए सबका यहाँ स्वागत है। हर साल हम लोग बड़ी धूमधाम से छठ पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के वासी हैं। ये छठ जो महापर्व है हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। कितने सालों से मना रहे हैं? ये साल अब दिल्ली में जब से सर हम लोग 20 सालों से मना रहे हैं इसी जगह पे। हाँ नहीं, जगह तो अलग अलग चेंज होता रहता है, जगह जैसे खाली जहाँ मिलता है हमें, क्योंकि जगह का अभाव प्लाट बन जाती है तो फिर हमें दिक्कत होती है, तो पहले उधर होता था, इस बार जगह यहाँ मिल गया तो हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन हमारा त्यौहार 2 साल कोरोना काल में बंद था, सब अपने घरों में मना रहे थे जैसे सरकार का गाइडलाइन था, लेकिन इस साल छूट मिला है तो धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सभी लोग संस्था भी आपकी? हाँ जी। क्या दिल्ली सरकार से कुछ नहीं? कोई सहायता नहीं है दिल्ली सरकार का, ये आपस में हम लोग सब आदमी मिल करके अपना चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं। कोई दिल्ली सरकार, हाँ नगर निगम, दिल्ली का नगर निगम जो है उनका सहयोग भरपूर मिला है, दोनों वार्ड के पार्षदों का सहयोग भरपूर मिला है, रणधीर जी का भी, विनय गौर जी का भी, जो जैसे जैसे कहें, बगल से श्याम मिश्रा जी का भी जैसे भी हमने फ़ोन किया उन्होंने भेजा। बाकी दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं है, कोई उनका अधिकारी भी नहीं आया, पदाधिकारी भी नहीं आया, क्योंकि वो भेदभाव कर, दिल्ली सरकार के लोग भेदभाव करते हैं कि अगर बीजेपी के लोग बनाते हैं तो यहाँ हम नहीं जाएंगे। तो अभी मैडम है, इनका कैसा सहयोग है? नहीं, मैडम जी तो भारतीय जनता पार्टी की जिले की पदाधिकारी हैं और वर्तमान में ये प्रत्याशी भी अपने आप को टिकट मांग रही हैं, तो इनका भी तो सहयोग है। ये घूम करके ठीक है, समाज सेवा में लगी हुई है, जब वार्ड महिला है, महिला को लड़ना है तो ऐसे महिला ही लड़ेगी, जो कार्यकर्ता होगी वही लड़ेगी। आज ये सहयोग करेगी, कल आप कितना सहयोग इसका? हम पूरे सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे, टिकट लेके आएंगी, हम तो कमल के साथ चलेंगे, कमल का सिंबल जो लेके आएगा उसके साथ हैं जी। क्या कहेंगे छठ पर्व को लेकर? छठ पर्व जो है हमारा महापर्व है, ये दिल्ली में ही नहीं पूरे इंडिया में होता है, पूरे भारत में होता है, विदेशों तक भी होते हैं। और जहाँ तक हमारी कॉलोनी की बात है, यहाँ पर लगभग 20 साल से छठ का प्रोग्राम हो रहा है। किस कॉलोनी? ये K5 Part 1 में हो रहा है। K5 कॉलोनी एक है, यहाँ पर कम से कम आबादी मांग चलिए कि 2,500-3,000 की आबादी, इसी 112 वार्ड 112 सैनिक इंक्लेव है। ओनली जो है ये पब्लिक जो है खुद करती है, यहाँ समिति बनी हुई है, जनसेवा समिति है, वो जनसेवा समिति कराती है, हर साल कराती है। थोड़ा हट करके आज यहाँ हो गया, कल अगली
एक रोड छोड़ करके हो गया, लेकिन हर साल हम कराते हैं।